एवरीवन, दिस इज पीके सिंह। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल पढ़ने जा रहे हैं। आइसोथर्मल क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है, हम इसको हीट अप कर रहे हैं या हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, प्रेशर भी चेंज हो जा रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका जैसे एग्जाम्पल आप समझिए थर्मल फ्लक्स जो होता है, जिसके अंदर हम लोग गर्म चाय रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंड, तो वो कुछ देर तक देखिए गर्म रहता है। तो इसमें ये समझना है कि इसका टेम्परेचर जो है हमको कांस्टेंट रखना है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसमें समझिएगा ध्यान से, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो, रीजन क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में आप देखेंगे एन सी वी डेल्टा टी आता, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हीट सप्लाई इक्वल टू जो होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जितना हीट सप्लाई किया सारा वर्क काउंट हो जाएगा। तो देखिए कितना वो लग रहा है आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट ये कभी आइडियल केस है। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस कहना भी सही रहेगा। अच्छा, इसका यूज हम लोग याद रखिएगा उसमें सरफेस टेंशन में, जब दो सोप बबल जो है कोलैप्स होते हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसमें यूज करते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से एन क्या है कांस्टेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है कांस्टेंट, तो ये भी पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला बन सकता है पी वन बी वन इक्वल टू पी टू वी टू। अच्छा, ग्राफ में समझिएगा कि यहाँ से एक चीज़ हमारे पास और आ सकता है कि पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इस लॉ को हम लोग बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। इस सबको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक्सप्लेन करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा उसमें डेरिवेशन जैसे भी होगा। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर जो है बढ़ेगा। अगर वन बाई वी में अगर कभी पूछ ले तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइसोथर्मल है तो ग्राफ सीधे जाएगा, तभी तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल है वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर में भी सीधे जाएगा। तो बस इसमें ये आपको याद रखना है कि इसके वर्क डन का डेरिवेशन जो होता है उसमें लॉग आता है और आइडियाबेटिक में लॉग नहीं आता, बस दिमाग में बिठा रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इसके इसमें जो वर्क डन होता है उसका एक फार्मूला निकालते हैं, आप समझिएगा ध्यान से इसको। हाँ बेटा, अब हम लोग जो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो समझिएगा कि जो बेसिक फार्मूला हमारा पहले था, जो हर टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी। अच्छा, यहाँ पे आप समझिएगा पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन आर टी होता है। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई बी डेल्टा वी। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम बी वन से फाइनल बी टू। अच्छा, आपको पता है जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लीजिए, एन आर टी बाहर आ जाएगा। अच्छा, एन आर टी बाहर आ गया और आपके पास वन बाई वी डेल वी बी वन से बी टू। अच्छा, अगर आपको दिमाग में होगा कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स होता है, नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जाएगा लॉग नेचुरल लॉग, और यहाँ से इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक बेटा, दिमाग में ये रखना हमको कि अपर लिमिट माइनस फाइनल लिमिट होता है लॉग का, लॉग वी टू माइनस लॉग बी वन। अब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी लॉग बी टू बाई बी वन बेस। अच्छा, हमको पता होता है पी वी इक्वल टू पी वन बी वन इक्वल टू पी टू बी टू, तो यहाँ से बी टू अपॉन बी वन का फार्मूला हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू, तो यहाँ से डब्ल्यू का फार्मूला हो जाएगा एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2। अच्छा, दिमाग बस यही रखना है कि अगर हम वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला लगा रहे हैं तो फाइनल अपॉन इनिशियल, और अगर प्रेशर के टर्म में फार्मूला लगा रहे हैं तो इनिशियल अपॉन फाइनल, दिमाग में रखना है। और प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा ध्यान से कि बस कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से पी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है, और वन बाई वी का वॉल्यूम का वन बाई एक्स टाइप का जो भी होता है उसका लॉग होता है नेचुरल लॉग, फिर फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बस सिंपल सी बात है, और ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो ये कभी कभी दो एक तीन नंबर का डेरिवेशन भी आ जाता है, बट न्यूमेरिकल लगाते समय हमें ध्यान देना होता है। ठीक है।